बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये टाइमर है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, कोरिया या जैपनीज फ्रिजों में आता है। ये इसका जो नंबर आपने देखें, 802 नंबर टाइमर है। इसको हम कंफर्म किस तरह चेक करेंगे कि हमें इसके पॉइंट का पता चले, कौन से पॉइंट कहाँ पे लगते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे जो इसको टाइमर को ऑपरेट करता है, ठीक है। पॉइंट हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंफर्म करेंगे कि इसके पॉइंट कौन कौन से हैं मोटर चलाने के लिए आप, ठीक है। ये हम लगाएंगे, सबसे पहले देखें ये कॉमन, ये न्यूट्रल होता है, हर उसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरफ लगाएंगे, ये देखें, ये देखें, एक दफ़ा इस पर लगाएंगे, देखें ये भी नहीं बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे, देखें चल रहा है, मगर ये कंफर्म नहीं है। इसी तरह हम बीच सेंटर में लगाएंगे, इस पर भी चल रहा है। अभी हम इसको चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, ये नॉब है, इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, एक टक से आवाज़ आएगी, इसके बाद ये कंफर्म होगा कि इसमें कंफर्म मोटर की वायर कौन सी है। ये देखें आवाज़ आई, इसके बाद हम अब चेक करेंगे तो देखें अब पहले वाले पॉइंट से ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा आप देखें इस पर लगाएंगे तो इस पर चल रहा है। इसका मकसद ये है, इसकी मेन जो है वायर ये है जो अमूमन फ्रिज में थर्मोस्टेट से आती है वायर, ठीक है। ये हमारी कंफर्म हो गई कि हमारा टाइमर ये ओके है, चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें पॉइंट चेक करना है, इसके पॉइंट कौन कौन से, हीटर के मेन कौन सी है। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि न्यूट्रल, ये मोटर गिरा रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब इस पर कंफर्म करना है कि हीटर की वायर कौन सी है और कंप्रेसर की वायर कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसके अब कंफर्म हो गया कि अभी सबसे पहले हम सेंटर में लगाएंगे, ठीक। ये देखें हमने इस पर लगाया, ये देखें ये हमने सीरीज पे चेक करा तो इस पर ये पॉइंट बता रहा है, मगर इस पर कंफर्म अभी नहीं हुआ कि हमें ये कंप्रेसर का है या हीटर का है, इसलिए इसके लिए हमें नॉब को घुमाना पड़ेगा। अभी घुमाएंगे तो ये फर्स्ट टाइम में ही ऑन हो गया, तो ये इसका मकसद है ये हीटर का वायर है। ये देखें अब नहीं बता रहा है, अब ये अब ये बताएगा। अब ये देखें, ये हम नॉब पूरी घुमाने के बाद जहाँ तक ये आखिरी आएगा तो इसके बाद ये हीटर का आएगा, क्योंकि हीटर की टाइमिंग बहुत कम होती है। तो हम ये देखें इसको हल्का सा घुमाएंगे, ये लाइट बंद हो गई, इसका मतलब ये पॉइंट जो है हीटर का है, ठीक है। इसके बाद अब हम इस पर आकर रखते हैं, ये आगे कंप्रेसर पे, कंप्रेसर की पॉइंट ज़्यादा लंबी होती है, ये देखें। ये देखें अब ये देखें पूरा ये घुमाते रहेंगे, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा कंप्रेसर पॉइंट कहलाता है, ठीक। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि ये 802 नंबर टाइमर किस तरह का होता है। चेक करने का ये तरीका होता है, आसान तरीका है, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई मसला हो तो आप इसको बिल्कुल वॉच करें, देखें वीडियो और हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है।